बहुत ज्यादा सर्दी है आज, तो हद से ज्यादा सर्दी है। हम आगे जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे ने और ठीक हो? सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राजी होंगे, मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। आज फिर तो साथ तहसील में बहुत ही ज्यादा धुंध है और आज फिर मैंने जाना है कोसलेमान ट्रेवल एरिया के इलाके में। आप लोग हैरान होंगे कि जिस दिन ज्यादा धुंध होगा उस दिन इसने ट्रेवल एरिया में जाना है, तो आज मुझे बहुत सारे काम है ट्रेवल एरिया में, तो मैं रास्ते में आपको बताऊंगा। तो आइए व्लॉग का आगाज करते हैं। के तकरीबन 10 होने वाले हम जा रहे हैं भारती की तरफ। सर्दी बहुत ज्यादा है हमने, और मेरे पीछे अजान, अजान के पीछे जुआब, तो सर्दी बहुत ज्यादा है। हमने खुद अपने आप को चादरों से बहुत ही ज्यादा लपेट लिया, तो धुंध बहुत ज्यादा है। लेकिन सुना है कोसलेमान के इलाके में इतनी ज्यादा धुंध नहीं है, तो अपने सफर का आगाज करते हैं। मजीद आगे आपसे बातचीत होती रहेगी। किसी ने मुझे फोन करके बताया एक माउस ले आना, ये पीछे वाले दुकान से मैं लेके आया हूँ। तो अभी हम दोबारा चलते हैं भारती की तरफ। का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा धुंध है। यहाँ से एक ऐनक लेने के बाद हम एक दफा फिर आगे भारती की तरफ अपने सफर जारी रखते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है आज, तो हद से ज्यादा सर्दी है। हम आगे जा रहे थे, रास्ते में ये पगड़ी वाले खान साहब ने आग जलाई हुई थी, तो हमने मोटरसाइकिल रोक के यहाँ अपने हाथ गर्म किए। एक और भाई भी आया हुआ है, वो भी यहाँ हाथ गर्म कर रहा है। मेरे ख्याल में सोकड़ बंगलानी के रहने वाले होंगे। भाई साहब आप किधर के रहने वाले हैं? बुगलानी। बुगलानी के रहने वाले हैं। और ये खान भाई, खान भाई क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत। किधर है घर आपका? तौसे। अच्छा, इधर किधर से गुजर के जा रहा था? इधर आगे जो में। अच्छा नहीं, अभी यहाँ इस एरिया में यहाँ क्या कर रहा था? जाते है पठान। इधर पठान है, मेरा मामू है, मामू को जाता है। अच्छा, इधर आपके मामू, ये जो बकरियाँ लेके फिर रहे हैं। अच्छा, ये आपके मामू हैं, आप इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। गुड हो गया जी।
वक्त हम दाखिल हो चुके हैं को सुलेमान के इलाके में। तो को सुलेमान के इलाके में बिल्कुल भी धुंध नहीं है, आप देखें चमकती धूप, मौसम बहुत बेहतरीन है। तो तौसा के एरिया में बहुत ही ज्यादा धुंध था, बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। रास्ते में हम अपने हाथ कर्म करते हुए बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं को सुलेमान। मुकम्मल ये पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में कहीं भी किसी जगह पे भी कोई धुंध नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन मौसम है। यहाँ बिल्कुल सर्दी भी नहीं है, धूप है चमकती हुई। इस वक्त हम आए हुए हैं एक होटल पे, यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद फिर हम आगे अपने सफर को जारी रखेंगे। आगे हमारा थोड़ा सफर रह गया, तकरीबन आधा घंटे का मजीद सफर बाकी है। घंटे के बाद अभी हम पहुंच गए हैं को सुलेमान मनबुजदार बार थी के इलाके में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।